का स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं हाट पिपलिया की खबरों की ओर। तहसील कार्यालय हाट पिपलिया में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, जो कि नगर परिषद हाट पिपलिया में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, जो फिलहाल तहसील कार्यालय में अटैच है। आज ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने ग्राम डिगोड के किसान गणेश पिता गब्बूलाल जाट से दो नामांतरण व एक बंटवारा करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम डिगोट के किसान गणेश जाट ने अपने दो नामांतरण व अपनी मां गीताबाई की जमीन का बंटवारे के लिए 5 महीने पहले आवेदन दिया था। किसान पिछले 5 महीने से तहसील कार्यालय हाट पिपलिया के चक्कर लगा रहा था। नामांतरण व बंटवारा करने के लिए रुपयों की मांग की जा रही थी, जिस पर किसान गणेश जाट ने ईओडब्ल्यू उज्जैन को शिकायत की थी। गुरुवार को ईओडब्ल्यू की टीम तहसील कार्यालय में पहुंची व जैसे ही किसान गणेश जाट से सचिन विश्वकर्मा ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर अपनी जेब में रखी, वैसे ही उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी सचिन विश्वकर्मा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया व बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। ईओडब्ल्यू उज्जैन की इस कार्यवाही के बाद तहसील कार्यालय में अफरा तफरी मच गई व रिश्वतखोर दूसरे कर्मचारी तहसील कार्यालय से धीरे से खिसक लिए। उक्त कार्यवाही को ईओडब्ल्यू उज्जैन डीएसपी अजय कैतवास, इंस्पेक्टर अजय संकट, इंस्पेक्टर प्रेम किशोर व्यास, अशोक राव मोहनपाल, फिरोज खान, विशाल द्वारा अंजाम दिया गया। सचिन विश्वकर्मा, क्या मामला ये है? मुझे मामले की तो जानकारी नहीं है। मैं क्या सुबह 9:30 के बीच में ऑफिस आ गया था, तो ऑफिस में आके बैठा, मैंने टेबल पर सफा के लैपटॉप लगाया तो गणेश नामक व्यक्ति आया मेरे पास और मुझे पूछा कि मेरी तारीख आज 5 है क्या? मैंने कहा भैया साहब आपके पास देखेंगे। तो वो आया, उसने मेरे पास 10 बोले मेरे पैसे लो। तो मैंने कहा आपके काय के पैसे, मुझे कोई पैसे की जरूरत ही नहीं है आपके। तो उसने बोला मेरे ऊपर पैसे फेंक के चला गया। मैंने फिर जीवन भैया को बोला, मैं जीवन भैया आप पेमेंट लो, वो जिसका उसको देखा मेरे को तो हाथ भी नहीं लगाना। तो मैंने उसके पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, वो जानबूझ के धोखाधड़ी से ये सब फंसाने की साजिश है। और मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ ना, तो मेरी फाइल तो कोई प्रोसीडिंग चलती है ना, मैं तारीख दे सकता हूँ ना तारीख ले सकता हूँ, तो मैं तो इसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता ना। मैं रीडर हूँ, मैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, ओपीआई था प्राइवेट। आपके पैसे रखो, फाइल करनी है, अरे मुझे फाइल के पैसे नहीं, उनको पैसे की जरूरत नहीं है आपके, आप आपके पैसे रखो। तो वो जबरदस्ती फेंक के चला गया, ये सीसीटीवी में कैद हुआ। किस मामले को लेकर आप लोगों ने कार्रवाई की? गणेश जाट जो हाट पिपलिया के गांव के निवासी, एक तीन प्रकरण, एक बंटवारे का, दो नामांतरण के यहाँ पे पेंडिंग थे। विगत 4-5 माह से लगातार वो यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, क्योंकि उसके जो आवेदन था उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। बार बार चक्कर लगाने पर उसको यहाँ पर जो ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर सचिन विश्वकर्मा, उसके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई और उसके काम को तभी होना बताया गया जब वो रिश्वत के 10,000 रुपये दे देगा। अगर वो नहीं देता है तो उसका काम नहीं किया जाएगा। परेशान होकर उसने ईओडब्ल्यू उज्जैन के एसपी श्री दिलीप सोनी साहब को आवेदन दिया। उस आवेदन के आधार पर उसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया कि सचिन के द्वारा उक्त तीनों नस्तियों के निराकरण हेतु 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जब ये पूरा तस्दीक हो गई तो उसके पश्चात हमने फरियादी और आवेदक श्री गणेश जाट को फरियादी को 10,000 रुपये के नोट देकर यहाँ पे रवाना किया। विधिवत उसने रिश्वत ग्रहण करी। ग्रहण करने के पश्चात हमारे साथ दो साक्षी राजपत्रित अधिकारी श्री मकासरे और श्री विष्णु दीक्षित जी हैं, उनके समक्ष पूरी कार्रवाई की गई। उसके हाथ लाल हुए, नोट बरामद हुए और जो पेंट में उसने पैसा रखा था वो पेंट भी बरामद हुई। वो सभी में केमिकल लगा होने से उनके रंग लाल हो गए। पूरी की पूरी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और रिश्वत के 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी सचिन विश्वकर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। अभी फिलहाल उसको जमानत आगे पूछताछ होगी, विवेचना की जाएगी। विवेचना में जो भी वो तथ्य आएंगे उसकी भी उसके आगे भी कार्रवाई की जाएगी।